हेलो गाइज, वेलकम टू बेनो ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मौज मस्ती में होंगे। अभी यहाँ पर सुबह का टाइम है और बच्चे यहाँ पर स्कूल चले गए, और यहाँ पर यह बकरी की गौर तभी उनकी हुई है इस गौर की सफाई। और यहाँ पर यह बकरी के छोटे बच्चे हैं दो तीन, तो अभी इनको पिंजरे के अंदर बंद करके रखा था और अभी मैंने इनको बाहर निकाल दिया और यहाँ पर चारा भी डाल दिया और अभी मैंने चारा खाना शुरू कर दिया है क्योंकि छोटे, इसलिए इनको बकरियों के साथ में नहीं भेजा है। बकरी कुत्तों के लिए तो पार घूम चलने के लिए है, दो तरफ ये गाय का बचड़ा। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। तो बाहर यहाँ पर ये देखिए छोटे बच्चे इनको रात कर सकते हैं, इनकी ये सफाई हो गई। सर मेरा नान दा हेलो 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 कितनी आई सुन थर नाम बता कहीं नाम बता आईट आई छे और मार नाम कहीं मैं तर के लगू हूँ मम्मी हूँ मम्मी को कौन है मम्मी जी का मम्मी जी ये का मम्मी जी ये बोल मम्मी जी बोल दो ये बोल मम्मी जी कौन बोला मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। फिर से जो थोड़ी बहुत सांगरी और है तो उनको हम सब्जी नहीं बनाएंगे, उनको सुखा कर रखेंगे, मैं यानी बाकी दिनों में सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर इतनी सारी सांगरी है, तो यहाँ पर हमारी नानी जी आए हैं। नानी मैं घर पर नहीं थी और मैंने बनाया था उसका वो बना रही है, ढोकले बना रही है क्योंकि साथ में सांगरी भी मिल जाएगी और ढोकले भी बन जाएंगे। अरे तो गौर का ही गाय जाने तो गौर गए थे ठोकर गौर निकल जवान को फिर पे है जीरा राजू जी साजन गवरा मैं पाछी ल्याओ जी मेरे गवरा पूजा यो मारे घेरी नागी रे से मादे जी लिया जाए। ए गोरा ना ये गीत तीन बना दे ए जमा रे ये तो पान गल पान पान थार भर ले डोल मैंने मैं ले ली हूं मैं जग भर लेके निकल और दादा चार पाँच सौ दुखले करे सौ करे पाँच करे आज तो बहुत सांगरे बोले ये पतल पतल सांगरे मोटे मार दी जब ये ताती आई के देख अभी यहाँ पर सारे ढोकले बनाकर इस तेपची के अंदर रख दिया है सांगरी और पानी इसके साथ में डालकर। तो अभी यहाँ पर मैं गैस चला के गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक चकला रख रही हूँ क्योंकि इसका ढक्कन को मतलब ये बनने वाला है भाप से बनने वाला, तो अगर ऊपर भाप रख दिया जाए तो भाप आने निकलेगी, भाप से अपने आप सीख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर ढोकले बन चुके हैं और मैं इसको थाली के अंदर निकाल रही हूँ एक एक करके। इसके सांगरी चिपकी हुई है तो सांगरी को मैं अलग कर दूँगी और ढोकले को अलग कर दूँगी। Thank you.
तो अभी यहाँ पर ढोकले को अलग कर लिया, सांगरी को अलग कर लिया, सांगरी भी उबल चुकी है, तो इनको मैं छत के ऊपर ले जा रही हूँ सुखाने के लिए। छत के ऊपर सुखा के आऊँगी। का चूरमा बना लिया है, चूरमा वो तैयार है। तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।